আপনারা কেমন আছেন আমি জানি না, আমি এ আলী ভালো আছি। আপনি দেখছেন ইউটিউব বাংলা টেন, চলুন আগাবাড়া যাক। বিজেপি নেতা মুসলমান হয়ে গেছে, এখন ভক্তরা চিন্তায় পড়েছে, কান্নাকাটি শুরু করেছে। স্বপ্না ভাদুড়ী, মানিক ফকির, দীপক ব্যাপারী, এরা আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেতা নতুন করে মুসলমান হয়েছে। ভক্তরা যেই ধর্মের অনুসারীদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে গালাগালি করে অপমান করার জন্য তারা সামনে পিছনে কিছুই ভাবে না। ভক্তদেরকে দেখা গেছে মাজার ভাঙতে, ভক্তদেরকে দেখা গেছে মসজিদে হামলা করতে, ভক্তদেরকে দেখা গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পয়গম্বরকে তানাকি গালাগালি করতে। স্বপ্না ভাদুড়ী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, মানিক ফকির অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে যদি মুসলমান হয়ে যায়, দীপক ব্যাপারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তারা যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এই বিজেপি নেতা মাজারে গিয়ে মুসলমানদের পায়ে মাথা ঠুকে সে কেন মুসলমান হবে না? আপনার জন্য আমার জন্য না হলেও ভক্তদের কাছে নিশ্চয়ই সে মুসলমান হয়ে গেছে। স্বপ্না ভাদুড়ী, মানিক ফকির, দীপক ব্যাপারী, ভক্তরা বলেছে যারা মুসলমানদের পক্ষে কথা বলছে এরা তো মুসলমান হয়ে গেছে, যারা মাথা ঠুকছে তারা তো নিশ্চয়ই ভক্তর কাছে মুসলমান হয়ে গেছে। চলুন ভিডিও দেখুন, তারপরে কথা আসবো। साहस किया कि सीधा मजार पर पहुंच गए, बकायदा वीडियो भी बनवाया, जो वीडियो आप सभी को दिखा रही हूं इस वक्त दोस्तों। अब सोचने वाली बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ के पास ये वीडियो जब पहुंचा होगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, वो बहुत छक्का रह गए होंगे या फिर रिएक्शन सामान्य होगा। क्योंकि देखिए, नंद गोपाल गुप्ता कोई छोटे मोटे मंत्री तो है नहीं कि इन्हें इसी साल मंत्री बनाया गया हो, इसी साल इनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, ऐसा नहीं है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी यूपी में, उस वक्त नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी महाराज पंजीयन, न्याय, शुल्क और नागरिक उड्डयन मंत्री थे। 2022 में इन्हें और बड़ा प्रमोशन दिया गया, इन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया और कैबिनेट का हिस्सा बनाते हुए औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई, निवेश प्रोत्साहन, तमाम तरह के मंत्रालय इनको दिए गए और कैबिनेट का मंत्री बनाया गया। आप समझ जाइए कि मंत्री जी योगी जी के कितने करीबी हैं। ऐसे में इनके मजार जाने की खबर योगी जी को तो हिलाकर रख देगी ना भाई। हालांकि भाजपा के मंत्री का मजार जाने से अगर योगी जी से भी ज्यादा किसी को फर्क पड़ेगा, योगी जी से भी ज्यादा किसी को ठेस अगर इसको पहुंचेगी, तो वो है हिंदू संगठन के लोग। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के नेताओं का यूं इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ संघियों की हरकतों पर विरोध जताना और मजार पर जाकर माथा टेकना सबसे ज्यादा हिंदू संगठन के तथाकथित हिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा। क्योंकि ये लोग तो अभी तक भाजपा को इसलिए वोट दे रहे थे, उसका समर्थन इसलिए कर रहे थे भाई, क्योंकि भाजपा के नेता मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजियां कर रहे थे और ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए, समय समय पर भाजपाइयों ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की है सबको दिखा है। इनके गलत करतूतों में इनका साथ भी दिया जा रहा था संघियों का, लेकिन अब जब मंत्री जी ने ही मजार का रास्ता पकड़ लिया तो संघियों की फौज तो देखिए बौखलाहट से जल भुन जाएगी ना, सब के सब आग बबूला हो जाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने मंत्री का मजार जाना उतना बुरा लगेगा नहीं, क्योंकि योगी जी का मुसलमानों के प्रति रवैया भी थोड़ा सा बदलता जा रहा है। अपना वीडियो देख ले, भक्तों देर का छे निश्चय वही बीजेपी नेता मुसलमान हो गया छे, कारण ये वीडियो टी वायरल होवार साथे साथे भक्तों देर कान्नाकाटी शुरू हो गया छे। दर्शक, ये वीडियो ने अपना देर मतामत जानाबेन, ভিডিওটি শেয়ার করুন, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় সোনার বাংলা।